नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इट्स नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो जिन लोगों ने भी एनटीटी का डिप्लोमा कर रखा है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तो वो सभी कैंडिडेट्स जो कि एनटीटी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि जो चंडीगढ़ में है वो एक नई वैकेंसी निकली है एनटीटी के लिए। तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेट है वो 6 सितंबर 2019 से जो है फॉर्म फिलअप होना जो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप फिल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जो भी नोटिफिकेशन जो आया है न्यूज़पेपर में, मैं आपको पूरा दिखा दूंगी। इसके अलावा जो डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि ऑनलाइन आता है, वो अभी तक आया नहीं है, वो एक दो दिन में आ जाएगा, क्योंकि अभी एक दो दिन बाद जो है इसके फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप उसके लिए थोड़ा वेट करें। तब तक बात कर लेते हैं कि क्या क्या अभी चीज़ें इसमें है जो कि न्यूज़पेपर में आई है, तो उस पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक का जो नोटिफिकेशन आया है वो न्यूज़पेपर के अंदर ही आया है। तो ये जो वैकेंसी निकली है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, तो चंडीगढ़ की ये वैकेंसी है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट है, ये नोटिस अभी न्यूज़पेपर का ही है। तो इसमें क्या है, जो 131 पोस्ट है, मतलब 131 पोस्ट इसमें आई है। तो उसमें जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे जो निकला है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, रेगुलर परमानेंट सरकारी जो भर्ती है ये निकली है। तो इसके अलावा इसमें बता दें कि जो पे स्केल है वो आपकी 4200 ग्रेड पे होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो आपको जो इनिशियल स्टार्ट होगा, मतलब जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहे हैं, तब उसमें आपको जो मिलेगा वो है, जैसे आपकी जॉब लग जाती है उस टाइम, जो फर्स्ट टाइम जो सैलरी होगी वो आपके हाथ में आएगी 16,290। ठीक है, उसके बाद देख लेते एक बार इसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो कितना है। तो इसमें जैसे 16,290 बता रखी है। इसके अलावा जो उसकी ग्रेड पे है वो काफ़ी अच्छी है, 4200 है। तो ये 3 ईयर्स का जो है प्रोबेशन पीरियड होगा आपका, उसमें फिक्स मंथली आपको ये सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद आपके जो भी इंक्रीमेंट्स होंगे वो लागू हो जाएंगे, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको जो भी मिलना होगा अलाउंस, वो सभी वो एक बस आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस नहीं मिलेगा, और सभी आपको मिलेंगे इंक्रीमेंट जो भी होगा। इसके अलावा देख लेते हैं किस तरीके से भर्ती है। तो ये इम्पॉर्टेंट था सैलरी का, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट ये एनटीटी की है। इसके बाद जो जनरल की पोस्ट है उसमें 50 है, ईडब्ल्यूएस की जो 7 पोस्ट है इसके अंदर, मतलब 7 पोस्ट है, ओबीसी की जो है 55 है। तो इसमें 55 के अंदर भी जो है वो क्या क्या बता रखा है, इसमें स्टार करके नीचे बता रखा है, तो सारा भी देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि एससी की जो है 19 है, उसके बाद टोटल जो है 131 हो जाती है। इसके अलावा पीडब्ल्यू की जो है वो 4 वीएच में है, और ओएच में 1, अदर में 1 है, और ईएसएम में जो है 13 है। तो इंक्लूडिंग बैकलॉग फॉर ओबीसी 35, एससी की 10, ईएसएम जो 9 है। इसमें है कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट पीडब्ल्यू ईएसएम कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच दे बिलोंग, मतलब जो जिस भी कैटेगरी होंगे तो उनमें अपॉइंट किया जाएगा। उसके अलावा जो है बेंचमार्क, ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो पूरा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें 131 पोस्ट निकलने वाली है आपको, आप चाहे किसी भी कैटेगरी को आपको लेनी है एक पोस्ट। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। तो 6 सितंबर 2019 से 10 बजे के बाद में, सुबह 10 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 30 सितंबर 2019, मतलब उस दिन 5 बजे तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और जो भी फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, रिफंड नहीं दिया जाएगा वापस अगर आपको लगता है कि मुझे फिल नहीं करना या फिर कोई भी इशू होता है तो इसमें रिफ़ंड नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो फीस है वो 800 रुपये है, लेकिन जो 400 रुपये का है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए है, और सभी जो बाकी कैटेगरी है उन सभी को जो है 800 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको कोई भी फीस जो है वो नहीं दी जाएगी, नहीं पे करनी होगी, इसमें उनको छूट प्राप्त है।
लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके थ्रू। उसके बाद है द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट दे रखी है, हालांकि अभी तक जो है इसमें लोडिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी ये वेबसाइट चल नहीं रही है, तो हो सकता है 1-2 दिन में ये अच्छे से काम करने लग जाए इसकी, क्योंकि इसके ऊपर ही जो है आपके पूरे फॉर्म जो है वो फिलअप होंगे। तो www.recruit.nit@CST चंडीगढ़ का शायद शॉर्ट फॉर्म है, .academy.in, ठीक है, ac.in। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा इस वेबसाइट पर। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है वो सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो उसमें बता रखा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 150 मार्क्स का आपका पेपर मार्क्स का जो है पेपर आएगा। उसके बाद है क्वालिफाई मार्क्स जो आपको 40% लाने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है फॉर ऑल कैंडिडेट्स नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, वहाँ पर कोई भी इंटरव्यू जो है नहीं होगा, आपकी एक सीधी भर्ती है ये। इसके अलावा ऑल द नोटिसेस एंड अपडेट्स विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट एज सच, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट। तो आपको जो है डेली बेसिस पे, हालांकि जब से स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट ठीक से काम करना, उसके बाद आप ज़रूर उस पर विजिट करें, ताकि आपको कोई भी अपडेट होती है, चाहे वैकेंसी में बढ़ोतरी होती है चाहे कमी होती है, तो आपको पता चल सके। नो जैसे एग्ज़ाम कब होगी या फिर कोई डेट एक्सटेंड होती है, तो उस सभी का आपको पता लग सके। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो वो कम की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, वो है ये है। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, उसके अलावा भी आपको जो है न्यूज़पेपर के थ्रू आपको ये सूचना दे दी जाएगी। तो ये जो सूचना आएगी वो आएगी 10 अक्टूबर के आसपास, ठीक है। तो 10 अक्टूबर से बता रखा है। और डिटेल रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन क्राइटेरिया और प्रोसीजर और ऑनलाइन सबमिशन एंड एप्लीकेशन, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस जनरल, और इंस्ट्रक्शन एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन, तो वही वेबसाइट है जो कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दी गई थी। तो अभी हो सकता है कल तक ये काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आज मैंने काफ़ी ट्राई किया तो अभी तक चली नहीं है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो उस पर भी सारी जो और जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद भी जैसे ही वो वहाँ से डाउनलोड होता है नया जो नोटिफिकेशन, तो मैं इसके बारे में पूरा फुल वीडियो और बनाऊंगी, अभी तक का यही है, ताकि आप अवेयर हो जाएं। और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट राजस्थान में भी NTT का जो भर्ती अभी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने इसमें दिया था, जिन लोगों का इसमें नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपकी तैयारी होगी। इसके अलावा जो है आप NTT का जो सारा सिलेबस है, क्योंकि सब में पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, थोड़े कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो एक बार सिलेबस वगैरह आ जाए, उसके बाद जो है आपकी जो तैयारी है वो फुल बेसिस जो है एज सिलेबस, जैसे टॉपिक टू टॉपिक जो है करवाई जाएगी इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर ले और ऐसे बने रहिए जो भी नई अपडेट आएगी उसके लिए। तो अभी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में मैंने बता दिया है, जो नेक्स्ट जो मैं वेबसाइट के थ्रू बताऊंगी तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तब तक आप भी जो है वेबसाइट जरूर विजिट करें, जो भी बनना चाहते हैं NTT, आई मीन नर्सरी टीचर। तो इसके अलावा आप आज से ही जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जो है। आप इसमें जो प्लेलिस्ट में आपको जो NTT के जो भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको अगर NTT के एग्ज़ाम हो रही तो बच्चों से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पूछी जाएगी, तो उसमें जो कॉमन सारी चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक हैं, तो आप अभी से स्टार्ट करना, रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैंने जो राजस्थान की वैकेंसी निकली थी तो उसमें मैंने पूरा कोर्स करवाया था, काफ़ी लोगों को उसको बेनिफिट मिला है इसका, तो आप देख सकते हैं। तो अभी आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है मिल जाएगी। इसके अलावा जो न्यू कोर्स है वो जल्दी ही मैं लाने वाली हूँ, उस पर ऑनलाइन एकदम फ्री कोर्स होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप डेली बेसिस पे बने रहिए, ताकि आपको जो भी सारी नई अपडेट होगी वो टाइम पर मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, itisneha30@gmail.com। तो मुझे रिलेवेंट लगेगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अभी जो उसकी फॉर्म डेट है वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। और जो उसकी वेबसाइट जो दी गई थी उस पर आप ज़रूर विजिट करें, अगर क्योंकि अभी तो 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 6 को जो फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हो सकता है ये 5 को जो है
अच्छे से वर्क करने लग जाए, क्योंकि अभी जो है इसमें काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लोड नहीं हो पा रही है ये जो वेबसाइट है। तो आप ये जो वेबसाइट है वो ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि आपको जो भी नई अपडेट है वो यहीं से मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी सिलेबस है वो इसी वेबसाइट पर मिलेगा आपको। जो आपको फॉर्म फिल करना होगा वो इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल करना है, तो ये वेबसाइट इसी पर आपको जाना होगा। उसके अलावा तो अभी मैं जैसे ही इसका ऑफिशियल जो, हालांकि ये भी ऑफिशियल है, इसके अलावा जैसे मैं वेबसाइट से जो डाउनलोड करूँगी, जैसे मैं क्वालिफिकेशन वाले के बारे में और इंस्ट्रक्शन जो सारे दिए हुए होंगे, उस पर भी मैं एक पूरा फुल वीडियो बनाने वाली हूँ, ताकि आप तक जो है सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो अभी तक जितनी मेरे पास डिटेल्स थी तो मैंने आपके शेयर किए। इसके अलावा जैसे ही जो मेरे पास आती है डिटेल्स, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फुल वीडियो के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए ऐसे। थैंक यू।